अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ कंसल्टेंट डाइटिशियन अधिका फान, करंटली वर्किंग इन सियालकोट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिहाज से। आज हम बच्चों पे बात करेंगे, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, उनकी रूटीन में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए जिनकी वजह से वो अपनी स्टडीज़ पर कंसनट्रेट कर सकें और डेली रूटीन में एक्टिव रह सकें। सो अगर आप ये बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कुछ बच्चे जो हैं वो वीक होते हैं, उनकी जो राइटिंग पावर है वो तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी लर्निंग पावर बहुत वीक होती है। वो जो भी चीज़ याद करते हैं, अपने जो भी सबक याद करते हैं, वो ज़्यादा देर तक उसको याद नहीं रख सकते या ज़्यादा जल्दी उनको लर्न होता नहीं है। तो कौन सी ऐसी मेन पॉइंट्स हैं, ऐसी डाइट में ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। मोस्टली ये होता है कि बहुत से पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं, ये कहते हैं कि बच्चों की लर्निंग पावर अच्छी नहीं है, बच्चे ठीक से याद नहीं कर पाते, अपना सबक याद नहीं कर पाते, या तो ठीक से याद नहीं कर पाते या उनको जल्दी याद होता नहीं है। इसकी क्या वजह है? तो जो जनरल चीज़ें जो आप बच्चों की लाइफ स्टाइल में जो है वो डेवलप करनी है, सबसे पहले तो स्लीप साइकिल। बच्चों को 9 से 10 घंटे, जनरली जब हम बात करते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तो हम 7 से 8 घंटे की स्लीप की बात करते हैं, लेकिन बच्चों के केस में 9 से 10 घंटे और कुछ केसेस में 10 से 11 घंटे की नींद भी होनी चाहिए। एक तो बच्चे का स्लीप साइकिल प्रॉपर होना चाहिए, दूसरा बच्चे को आपने फिज़िकली एक्टिव रखना है, आउटडोर गेम्स में बच्चों को एक्टिव रखना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव रखना है, स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना बच्चों को। तो ये भी एक बहुत हेल्दी वे है बच्चों को एक्टिव रखने का और उनके लर्निंग पावर को बूस्ट करने का। और बच्चों को बुक रीडिंग का जो है, बुक रीडिंग की तरफ बच्चों का जो है डेवलप कराएं ध्यान, उनको ज़्यादातर जो है बुक रीडिंग का जो है वो शौक होना चाहिए। इसके अलावा आपने देखना कि बच्चों के अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, आयरन की डेफिशिएंसी या फिर थायराइड की डेफिशिएंसी बच्चों के अंदर तो नहीं है। अगर तो ऐसा है तो लैब टेस्ट फिर बहुत ज़रूरी है और उसकी उस पर कंसंट्रेशन और उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान फिर बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप डाइट की बात करते हैं कि डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने बच्चों को डेली रूटीन में आपने देनी है, उनकी डाइट में आपने ऐड ऑन करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो बैलेंस डाइट आपके बच्चे की होनी चाहिए, दूसरा ये कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एसेंशियल ऑयल आपके बच्चे की डाइट में ज़रूर होना चाहिए। ओमेगा 3 हमें फिश से मिल सकता है, हमें नट से मिल सकता है, हमें एलमंड से मिल सकता है। 2 to 3 टाइम्स आपने अपने बच्चों को फ़िश ज़रूर देनी है, उनके लंच बॉक्सेस में डाल सकते हैं, उनको लंच में डिनर में आप दे सकते हैं। फ्लूड इनटेक आपके बच्चे का प्रॉपर होना चाहिए, पानी का इस्तेमाल बच्चे ज़रूर करें, बजाय इसके कि आप उनको प्रोसेस जूसेस की तरफ लेके जाएं, आप उनको पानी की आदत डालें। और फ्रेश फ्रूट जूसेस भी कुछ हद तक दे सकते हैं लेकिन एक मुनासिब मकदार में, उनको रेगुलर बेसिस पे नहीं देने क्योंकि जो वो ज़्यादा कैलोरीज शुगर से फ्रुक्टोज से ले लेंगे तो फिर वो मील ठीक तरह से नहीं ले पाएंगे, प्रोटीन का इंटेक ठीक नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रोटीन का इंटेक ठीक नहीं होगा तो उनकी मसल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट ठीक नहीं होगी। सो बी अवेयर। रेमेडी, ऐसी रेमेडी जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं उनकी डेली रूटीन में, आप एलमंड्स लें, वॉलनट्स लें, आप फ्लैक्सीड्स लें, पम्पकिन सीड्स लें और मेलन सीड्स लें। इन सबको आपने हम वजन लेना है और अच्छी तरह से ग्राइंड करके 2 टीस्पून डेली अपने बच्चों को दें, या तो मिल्क में दें या तो फिर योगर्ट में दें, या फिर आप उनको अगर वो इस तरह से नहीं लेते तो उनको सीक्रेटली दें। सीक्रेटली किस तरह? उनके मील्स में, उनके खाने में ऐड कर दें, उनके एग में ऐड कर दें, जो मील्स बच्चे शौक से लेते हैं आप उनमें ऐड करके उनको दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और ज़रूर अपना फीडबैक भी दें इस वीडियो के मुतालिक। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।